स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देखेंगे गांधी जी के प्रेरणा स्रोत, यानी कहने का मतलब है कि गांधीवादी जो एक दर्शन है, इस गांधीवादी दर्शन के स्रोत क्या हैं, यानी अपना जो टॉपिक है आज का, गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत, यानी गांधीवादी दर्शन एक इनमें किन किन बातों का प्रभाव है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं गांधी जी के जीवन में आई जिनसे काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्हीं विचारों से प्रभावित होते हुए इनका खुद का एक गांधीवाद दर्शन भी कहा जाता है। तो आज सिंपली हम मैं पहले कह देता हूँ कि गांधी जी किन किन बातों से या किन विद्वानों से या किन पुस्तकों से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और उन्हीं की बदौलत गांधीवादी दर्शन है वो हमें दिखता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आज हम पढ़ेंगे ओनली गांधी जी के प्रेरणा स्रोत के बारे में। तो वैसे सब आपको याद होगा, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत दो तरह से थे, दूसरे थे, यानी दो प्रकार से थे, इसको हम देखेंगे। तो पहला है पूर्वी स्रोत, दूसरा है पश्चिमी स्रोत। तो पूर्वी स्रोत की जब बात करें तो पूर्वी स्रोत में आता है उनका घरेलू वातावरण, इनके माताजी पिताजी गांधी जी के, उनका जो जिस तरह का सभ्य वातावरण, शालीनता जो थी वह गांधी जी के जीवन में काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि ये वैसे वैष्णव हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो इस वजह से उनके मस्तिष्क पर धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था। और जैसे अगर हम बात करें तो इनके इनके जीवन में काफ़ी प्रभाव हुआ उनके मस्तिष्क पर। आपको ध्यान रखना है, हिंदू और बाकी बौद्ध धर्मों का प्रभाव हुआ, लेकिन जैन धर्म से उन्होंने सत्य का महत्व समझा और बौद्ध धर्म से अहिंसा के बारे में ज्ञात हुआ। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। जैन धर्म से क्या उन्होंने अर्न किया, सत्य के साथ क्या ताल्लुक है, यानी सत्य के बारे में या सत्य का वैल्यूबल महत्व, और बौद्ध धर्म है वहाँ से उनको अहिंसा के बारे में सीखने को मिला। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थॉट भी आते हैं जो ध्यान रखना है, जैसे साधु संतों के उपदेश भी इनके जीवन में काफ़ी प्रभावित हुए। उनको जैन साधक श्री रायचंद्र जी के संपर्क में आने से इनमें ये जैन धर्म के प्रति लगाव भी उत्पन्न हुआ था। गांधी जी को अगर हम कहें कि अहिंसक पत्रकार के रूप में, अहिंसक प्रतिकार, तो ये आप ध्यान रखना, यानी अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन गए थे हैं, और अहिंसक प्रतिकार के जो विचार हैं वो गांधी जी ने किससे ग्रहण किए, तो आपको ध्यान रखना, गुजरात के एक कवि थे जिनका नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, श्याम लाल भट्ट। श्याम लाल भट्ट, ठीक है ना, इन्होंने जो कविता लिखी थी, इनकी कविता थी, गुजराती थे, गुजराती कवि थे, इनकी कविता थी, उन कविता के माध्यम से उन्होंने अहिंसक प्रतिकार का जो विचार है वो ग्रहण किया था। अब इसके कुछ शब्द हैं, यानी उस कविता का कुछ सारांश है जो आपके सामने मैं दोहरा रहा हूँ, वो इस प्रकार है, यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे, यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और तुमने भी बदले में उसे पानी पिलाया, तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है, यानी आपने 100 रुपये दे के मदद की, उसने वापस 100 रुपये लौटा दिए, तो ये जो जिस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है वहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसका कोई वैल्यूबल महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है, किसी ने अपकार किया आप उसका उपकार कीजिए और यही खूबी कहलाती है, यानी अहिंसक पत्रकार के संदर्भ में ये जो विचार है श्यामलाल भट्ट की कविता से काफ़ी मिलते जुलते थे। इसके अलावा हिंदू धर्म की जो महत्वपूर्ण है भगवद गीता, भगवद गीता ये हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से गांधी जी के जीवन में काफ़ी नयापन देखने को मिला या प्रभावित हुए। इनके इस ग्रंथ के बारे में गांधी जी ने खुद ही कहा कि यह ग्रंथ आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक है, आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक है, यानी बुक ऑफ स्पिरिचुअल रेफरेंस, यानी आध्यात्मिक नॉलेज है वो इसे बढ़ता है, वो इस बारे में उन्होंने कहा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक सिंपल सी चीज आती है, नेक्स्ट आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है कि भगवद गीता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा इनका। अब हम बात करें विदेशी थिंकर, यहाँ तक तो हमने देखा था गांधी जी के ऊपर पूर्वी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, आपको समझना है,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये तो थे ऐसे ताल्लुका संबंध जो उनके डेली जीवन में उनके वातावरण से संबंधित उन्होंने काफ़ी हद तक सीखा। अब हम यहाँ पे कुछ सीखेंगे या वो जानेंगे कि विदेशी स्रोत या विदेशों की ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें विचार थे, उनका गांधी जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी ये हम यहाँ पे विदेशी स्रोत को भी देखेंगे जिस वजह से गांधीवाद दर्शन को महत्व तो मिला। ठीक है, तो गांधी जी की विचारधारा के पश्चिमी स्रोत में बाइबल महत्वपूर्ण है, ये हमने यहाँ पे देखा है पूर्वी स्रोत। ठीक है ना, आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि हमने दो तरह से बांटा है, पूर्वी स्रोत और यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिमी स्रोत। पश्चिमी स्रोत ये आप ध्यान रखना क्योंकि आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अब क्लियर होगा तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पूर्वी स्रोत के अंदर इनके माता पिता, उनके पारिवारिक वातावरण, धर्म के कुछ विचार और इनका प्रभाव पड़ा। अब पूर्वी स्रोत जिनसे महात्मा गांधी को काफ़ी सीखने को मिला, तो पूर्वी स्रोत में सबसे पहले आता है बाइबिल। हाँ, बाइबिल आपको पता होगा, बाइबिल ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ठीक है ना, तो इनके बारे में इस पुस्तक से, बाइबिल जो महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक से उन्होंने प्रवर्त, ध्यान रखना, प्रवर्त प्रवर्सन, प्रवर्त प्रवर्सन का एक विचार ग्रंथ किया। प्रवर्त प्रवर्सन का मतलब क्या है तो वो आप समझिए, तो इनके बारे में उन्होंने ये विचार या ये बात ग्रहण की कि अत्याचारी जो है, अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ लगा देता है उनके सामने बायां गाल भी कर दीजिए, इस तरह से अपने शत्रु से प्रेम कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा गांधी जी के बहुत सारे उदाहरण हम अपने ज़िंदगी में देखे हैं, और छोटे एज में भी आपने देखा होगा कि गांधी जी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो किसी महापुरुष ने उनके एक गाल पे थप्पड़ लगा दिया, गांधी दूसरे गाल उसी ओर कर दिया। तो उस तरह से ये एक इतना प्रभाव, इतना इफेक्ट डाला उस व्यक्ति के ऊपर कि खुद उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ मैंने क्या किया। तो ये जो बात है गांधी जी ने बाइबल के प्रवर्त प्रवर्सन, अब ये क्या है, ये एक अध्याय है, आप ध्यान रखना, इनका एक अध्याय है, उसमें से ये गांधी जी ने ग्रहण किया, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें महत्वपूर्ण रूप में, तो गांधी जी के जीवन में तीन विचारक वेस्टर्न थिंकर हैं जिनसे गांधी जी काफ़ी हद तक प्रभावित हुए। पहला है टॉल्स्टॉय, दूसरा है रस्किन, जॉन रस्किन पूरा नाम भी हम लिखेंगे यहाँ पे, और तीसरा है डेविड थोरो, यहाँ पे इसका पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हेनरी डेविड थोरो। तो ये तीन ऐसे विद्वान थे जिनसे गांधी जी का जीवन काफ़ी वैल्यूबल बन गया, यानी अपने जीवन में होता है ना कुछ विद्वानों की या कुछ ऐसे पुस्तकों का अपने जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है कि हम उनसे काफ़ी इम्प्रेशन कहते हैं इंस्पायरेशन होते हैं। तो जो इंस्पिरेशन जो मिलती है वह गांधी जी को यहाँ पे तीन विद्वानों से मिली, वो आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करें तो आपको ध्यान रखना ये तीन जो विद्वान हैं वो काफ़ी हद तक थे। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि गांधी जी एक मिनट आप ये ध्यान रखिए कि मैं इस वाला मिटा देता हूँ ताकि ये आराम से आपको समझ में आ सके, क्योंकि स्पेस कम होगा तो फिर आप लिखने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गांधी जी 1896 में कहाँ जा रहे थे, नेपाल जा रहे थे। तो उस दौरान वह जब ट्रेन में यात्रा करने वाले थे तो उसके मित्र का नाम है पोलक, ये गांधी जी का मित्र था, पोलक ने गांधी जी को एक पुस्तक दी और वो पुस्तक थी, आप ध्यान रखना, अनटू दिस लास्ट, और ये पुस्तक किसकी है आप ध्यान रखना, जॉन रस्किन की। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, जॉन रस्किन, ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। तो ये पुस्तक उन्होंने यात्रा के दौरान पढ़ी थी और
इससे क्या सीखा गांधी जी ने, हम वो देखेंगे इससे गांधी जी ने क्या सीखा। तो ध्यान रखना है कि वे इससे इतने प्रभावित हुए कि सर्वोदय नाम से उसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया, यानी इस पुस्तक से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इसका ट्रांसलेशन सर्वोदय नाम के एक बुक के रूप में किया और ये बुक गुजराती लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी? गुजराती लैंग्वेज में थी। समझ में आ रहा है? तो अनटू द लास्ट स्टेप वो एक नई कोई बुक नहीं थी, आपको ध्यान रखना है ये गांधी जी द्वारा लिखी हुई ट्रांसलेशन बुक थी जो अनटू द लास्ट की थी। अनटू द लास्ट किसकी है? जॉन रस्किन की है, ये आप ध्यान रखना है। अब इस पुस्तक से क्या सीखा गांधी जी को, जिन पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या बातें थी जो गांधी जी को प्रभावित कर गई? तो पहला इसमें ये चीज सीखा कि एक व्यक्ति का हित सभी के हित में होता है। बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति का जो हित है वो सभी के हित में ही होता है, तो ये बात उन्होंने सीखी। दूसरी बात, एक वकील के कार्य को भी उतना ही सम्मान या उतना ही महत्व दिया जाना सी जितना एक न्यायिक के कार्य को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्यों से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है। सभी अपना जो काम करें ना उनको वो बराबर हक है उससे कमाने का, यानी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। फाइनली ये कहूँ, दूसरी बात ये सीखी। तीसरी बात, शारीरिक श्रम बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इससे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यानी समान कार्य और समान अधिकार। कार्य अलग हो, चलो कार्य कैसा भी हो लेकिन समान अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे पॉइंट के रूप में बात बताई थी, बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, एक व्यक्ति का हित सभी में है, ठीक है, ये समझ लिया। तीसरा जो प्रभाव पड़ा गांधी जी के इस पुस्तक से, क्या गांधी जी ने लर्न किया, क्या सीखा, वो ये इम्पोर्टेंट, शारीरिक श्रम। अब मात्रा को ध्यान रखना, बाकी ये वर्ड जो समझ लेना, शारीरिक श्रम। आप प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि गांधी जी ने शारीरिक श्रम की वैल्यू दिया, शारीरिक श्रम संबंधी विचार को ज़्यादा महत्व दिया, ये कहाँ से प्रभावित हुआ गांधी जी के जीवन में? तो अनटू द लास्ट से उन्होंने शारीरिक श्रम के महत्व को समझा और इसमें कहा कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति, किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। यानी कहा कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है, शारीरिक श्रम भी वास्तव में श्रम है या कार्य होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। इस तरह से गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र को भी महत्व दिया। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक से प्रभावित होकर गांधी जी ने बुद्धि से ज़्यादा करैक्टर को महत्व दिया, इंटेलिजेंस से ज़्यादा करैक्टर को महत्व दिया, चरित्र को महत्व दिया और आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया। जीवन में राजनीति या आर्थिक क्षेत्र में धर्म को महत्व दी गई और पूंजीपतियों से यह अपेक्षा या आशा रखी गई कि वे मजदूरों के संरक्षक बनेंगे और उनके साथ पितृतुल्य व्यवहार करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, इसके बारे में जो गांधी जी जिस हस्त को प्रभावित हुई या क्या क्या चीज़ें ग्रहण की, ये आप समझ गए हो। और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते जाइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे डेविड थोरो की। किसकी बात करेंगे? डेविड थोरो की, और वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया है तो नेक्स्ट डेविड थोरो को देखते हैं। यहाँ पे डेविड थोरो के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना, अगर नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे। डेविड थोरो है वो एक अमेरिकी है और अराजकतावादी विचारक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को भी एक राज्य के संदर्भ में जो विचार आते हैं तो गांधी जी को अराजकवादी विचारक के तौर पर कहा जाता है। तो ये विचार गांधी जी ने किनसे ग्रहण किए? हेनरी डेविड थोरो से, जो अमेरिकी था एक और अराजकता विचार था, अराजकतावादी, यानी ये राज्य को व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। ये कहते कि राज्य को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसलिए राज्यहीन व्यवस्था जब भी बात आती है तो वो अराजकतावादी कहलाती है। अब इनके बारे में, थोरो का सिद्धांत था कि भलाई, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझना यानी इनसे क्या सीखा है तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँगा तो वो पॉइंट आप यहाँ पे समझना है। पहली बात यहाँ पे आती है और गांधी जी ने सीखा है थोरो से
भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। यानी कोई अच्छा काम कर रहा है, यानी भलाई का काम कर रहा है, तो उसके साथ तो हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति बुराई के रास्ते पर चल रहा है या बुरा काम कर रहा है, तो उसके साथ हम असहयोग करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। ठीक है, यानी आपको पता होगा, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे, असहयोग आंदोलन, क्योंकि सरकार है जो अंग्रेजों की सरकार थी वो गलत कर रही थी, तो गांधी जी ने असहयोग का सहारा लिया, यानी हम इस गलत कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुए थे उस आंदोलन के, तो ये अमेरिकी विचारक से हुए थे। समझ आ गया ये बात ग्रहण की। दूसरी, थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज के आदर्श में विश्वास करता है। इसके अलावा राज्यहीन, यहां पे ध्यान रखना ये वर्ड राज्यहीन व्यवस्था में विश्वास, और यहाँ पे वापिस दूसरा पॉइंट आता है मनुष्यों की भलाई, मनुष्यों की भलाई, यानी मनुष्यों की भलाई उसमें ही है जहाँ राज्यहीन व्यवस्था हो, यानी राज्यहीन व्यवस्था को महत्व दिया गया है और राज्यहीन व्यवस्था में विश्वास भी करता है डेविड थोरो। ठीक है ना, तो इसका कुछ एक हद तक विचार हुआ था यहाँ पे। अब बात करें आगे, तो गांधी जी दास प्रथा, यानी दास जो किसी के गुलाम होकर रहते हैं, उस बारे में गांधी जी ने क्या कहा, तो दास प्रथा पर उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया, यानी दास प्रथा को उन्होंने समर्थन नहीं किया जबकि अमेरिकी ये मानते थे, तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग आता है। उनका विचार था कि दास प्रथा जैसे नैतिक प्रश्न पर राज्य की आज्ञा भंग कर इस विषय से संबंधित कानून तोड़ा जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। डेविड थोरो ने, या डेविड थोरो की जो विचारधारा का एक जो पॉइंट आता है यहाँ पे, उसको गांधी जी ने थोड़ा चेंज किया। अब वो क्या था, तो सरकार के अनैतिक कार्यों का विरोध तो अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय हमें अहिंसक ही होना चाहिए। सरके यानी यहाँ पे हम बात करें कि सरकार गलत करिए तो सरकार के कार्यों का विरोध करते समय अहिंसक रहना चाहिए, या अहिंसा का पालन, ये बात गांधी जी ने डेविड थोरो से हटके की। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने जो सीखा है कि राज्यों के लिए, राज्य का महत्व नहीं होगा क्योंकि राज्य से व्यक्ति का ये शोषण हो जाए, लेकिन यहाँ पे इस बात में गांधी जी ने थोड़ा चेंज किया कि हम अगर सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं या सरकार के कार्यों का विरोध करते हैं, तो विरोध करते समय हमारे जो साधन, हमारा जो काम है वो कैसा होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया था, आपको पता हो, ठीक है ना, 1922 में 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश गोरखपुर में सुरासुरा स्थान पर जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, यानी पुलिस और थाने को जला दिया था, तो इस अहिंसक कार्य से, मतलब हिंसा वाला ये कार्य था, इस हिंसा वाले कार्य से गांधी तुरंत प्रभाव से आंदोलन रोक दिया था। तो इस तरह से गांधी जी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा हमें कार्य करना है, उस कार्य में हमें अहिंसा का पालन करना जरूरी है। तो ये बातें गांधी जी के जीवन में काफ़ी इफेक्टिव हुई, इनके जीवन को बदल दिया, यानी गांधी के प्रेरणा स्रोतों में ये बात भी आती है डेविड थोरो की। अब बात करते हैं हम टॉल्स्टॉय की, कि टॉल्स्टॉय की कौन सी बातों का गांधी जी के विचारों पर या गांधी के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको समझ आ रहा होगा, एक पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, गांधी जी को आपको ध्यान रखना कि टॉल्स्टॉय कुछ पुस्तक हैं, इस टॉल्स्टॉय की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिनकी छाप गांधी जी के मस्तिष्क पे पड़ी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें संक्षिप्त समाचार, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इस विद्वान की। किस विद्वान की हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं टॉल्स्टॉय की, क्योंकि गांधी जी इनसे प्रभावित थे। नेक्स्ट है क्या करें स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। तो ये तीन पुस्तक जिन्होंने गांधी, मतलब इन पुस्तकों को गांधी जी ने पढ़ा, ये अपने बात करेंगे टॉल्स्टॉय की है, और इन विद्वान की ये पुस्तकें हैं, इनसे गांधी जी ने काफ़ी हद से कुछ सीखा और इंस्पायर्ड भी हुए, और स्पेशली इनकी ये पुस्तक स्वर्ग
तुम्हारे भीतर है, हेवन इज इनसाइड यू। यानी इसका यहाँ पे ट्रांसलेट नाम भी दिया गया है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का राज्य है वो आपके अंदर ही है। तो अभी ध्यान रखना है, इस पुस्तक से पूर्व, पुस्तक के अध्ययन से पूर्व गांधी जी के मन में अहिंसा, यानी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक से पूर्व गांधी जी ने अहिंसा के बारे में तो सीखा था। कहाँ से सीखा था पता होगा, मैंने बताया था बौद्ध धर्म से, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन था अहिंसा को लेकर, यानी पूरी तरह से क्लियर नहीं थी अहिंसा का मतलब या अहिंसा को कैसे इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ मतलब कह सकते हैं कि दुविधा में या कन्फ्यूजन में थे इस विचार के बारे में। लेकिन जब टॉल्स्टॉय की ये पुस्तक पढ़ी सूरज तुम्हारे भीतर, तब अहिंसा के अंतर्गत गांधी जी को जो कन्फ्यूजन था या गतिरोध था या कोई जो समझ या कुछ ऐसे विचार थे जो समझ नहीं पाए थे, वो पूरी तरह से क्लियर हो, यानी गांधी जी अहिंसा के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो गए जब टॉल्स्टॉय की स्वर्ग तुम्हारे भीतर पुस्तक पढ़ी। तो इस तरह से ये पुस्तक काफ़ी इफेक्टिव रही गांधी जी के लिए। गांधी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ जिसको हम रचना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से दो पुस्तकें लिखी हैं जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब पूरी तरह से ओरिजिनली इनकी थिंक या विचार है। हिंद स्वराज्य 1909 में लिखी गई थी, ध्यान रखना। और उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं आत्मकथा, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये लिखी गई थी 1927 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ उनकी कुछ और यानी टॉप हाईलाइट पुस्तक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनको यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट थी शांति और युद्ध में अहिंसा, सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के ऊपर लिखी गई थी पुस्तक थी साउथ अफ्रीका के समय। नैतिक धर्म के बारे में लिखा गया। और सर्वोदय, ये तो आपको पता होगा टू दी लास्ट की कॉपी है यानी ट्रांसलेशन है। अस्पृता निवारण, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था, ये साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन जिनका समय 1925, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये कुछ महत्वपूर्ण पत्र जो कह सकते समाचार पत्र गांधी जी ने संपादित करवाए थे या इसमें संलग्न भी रहे थे। तो इस तरह से आज हमने देखा है इस वीडियो में गांधी जी के प्रेरणा स्रोत के साथ साथ गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी के नेक्स्ट पार्ट में गांधी जी के विचार अहिंसा और सत्य के ऊपर। वह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव टॉपिक होगा ये, और आपके लिए हमारे लिए भी। तो तब तक के लिए कुछ डिसीजन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, ज़रूर कमेंट करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।